हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं वानखेड़े के पीस रिपोर्ट के बारे में। तो ये जो होगा एक अपडेटेड पीस रिपोर्ट होगा मुंबई का, जिसको हम लोग देखेंगे किस तरीके से जो है बिहेव करते हुए लास्ट मैच में नजर आया और अभी किस तरीके से बिहेव कर सकता है। तो यहाँ पर जो दो मैच हुए हैं दोनों को हम लोग कम्प्लीट एनालिसिस करेंगे और देखेंगे क्या सीनरी जो है यहाँ पर रहता है। सबसे पहले बात करते हैं इस ग्राउंड पर देखोगे तो ये जो आपको मुंबई का होम ग्राउंड देखने को मिलेगा और बहुत ही अच्छे से यहाँ पे मैचेज हो रहे हैं, जो दोनों मैचेज में काफ़ी अच्छे आपको देखने को मिले। और आपको पता होगा कि मुंबई का जो टिकट है वो ऑलरेडी सारे सोल्ड आउट है। तो अब हम बात करते हैं किस तरीके से मैचेज हो सकता है, डिटेल्स में हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर देना, और अभी तक आप मुझसे नहीं जुड़े हो चाहते कि विनर सेशन एंट्री में आप प्रॉफिट उठा सको तो ये जो व्हाट्सअप का नंबर है जहाँ पर आपको जुड़ जाना है। साथ में आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो कॉन फोर्ट प्रोडक्शन सर्च करके, और टीम इलेवन पे जो है आप स्क्वाडिंग इलेवन पे जो है वो सर्च करके जुड़ सकते हो, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मिल जाएगा जहाँ से आप जुड़ सकते हो। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं इस पीस के बारे में, तो आपको देखना है कि अगर इस पीस की बात करते हैं तो देखो इस पीस का जो कंडीशन देखो, एक तो जो है वो बैटिंग फ्रेंडली पीच है सभी को पता है, फ्लैट पीच है सभी को पता है, और स्मॉल बाउंड्री एरिया कितना है तो आप देखोगे 58 से कभी कभी 58 से लेकर 65, 67, इवन 70 के आसपास तक जाता है। यहाँ पे डिपेंड करता है किस साइड में जो हम लोग देख रहे हैं, लेकिन नॉर्मली जो है ये यही है कि 58 से लेके 65 जो है वो एवरेज आपको यहाँ पे बाउंड्री एरिया देखने को मिल सकता है, और जो लंबा बाउंड्री एरिया होगा वो 71 मीटर के आसपास जो देखने को मिल सकता है अगर लंबा बनाया जाएगा तो। फेवर आज जो है ये बैट्समैन को करता है, और बहुत ही परफेक्ट वेन्यू है जहाँ पर दूसरे रन जो है वो IPL मैच में स्कोर किया जा सकता है। रिसेंट में हमने देखा यहाँ पे हाई स्कोरिंग मैचेज वो हुआ, और दोनों मैचेज अगर यहाँ पे देखा जाए तो लास्ट मैच में जो है 185 रन जो है बना था और 186 रन बना के जो है मुंबई चेज कर लिया आसानी से, और जिस तरह का धमाकेदार यहाँ पे शुरुआत किया था एक अलग मैच जो है देखने को मिला यहाँ पे। अब इस ग्राउंड में बात करते हैं कि अभी इन दोनों मैचों के पहले के मैचेज देखोगे स्पिनर थोड़ा सा ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा था, अभी इन दोनों मैचों में देखोगे तो देखो विकेट तो गिर रहे थे लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आपको देखने को नहीं मिल रहा था बॉलर्स का, क्योंकि अगर सोचो कहीं भी जो है 185 रन बनता है तो इसका मतलब ये है कि शुरुआत में बहुत अच्छे रन बनते हैं और लास्ट में तो ऐसे भी विकेट गिरता ही है। तो एक बॉलर्स का जो बोलबाला है वो बहुत अच्छे तरीके से नहीं रहता है, बॉलर्स तो बोलबाला उस ग्राउंड पर बोलते हैं जहाँ पर शुरुआत में ही विकेट जो है वो झटक देते हैं और तब घिस गया तो जो वो रन बनता है, वैसे सीनरी में बोलते हैं कि वो बॉलिंग पिच है, लेकिन जहाँ पे रन पहले बन जाता है और लास्ट में जब मारने के चक्कर आती है तो विकेट गिरती है, वैसे सीनरी में हम लोग उसको कहेंगे कि बैटिंग पिच जो आपको देखने को मिलता है। लेकिन फास्ट बॉलर को यहाँ पे काफ़ी अच्छा मदद मिलता है क्योंकि स्विंग जो है वो मिलते रहता है उनको। रात के जब मैचेज होता है तो उसमें हमने देखा है कि ड्यू जो है काफ़ी क्रूशियल रन प्ले करता है यहाँ पे, और ड्यू काफ़ी अच्छा खासा आ रहा है यहाँ पे, तो इस चीज़ को जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब जो लास्ट के मैचेज हुए उसको एक बार देख लेते हैं हम लोग, और फिर जो है उससे आपको क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा। जो लास्ट का मैचेज हुआ था यहाँ पे KKR का देखोगे 185 रन बनाया और मुंबई जो 186 बनाया उसे चेस कर लिया, वो भी 3 ओवर पहले, और 5 विकेट से चेस किया। फास्ट बॉलर को 5 विकेट मिला था, स्पिनर को जो है 6 विकेट मिला था। इसी तरह देखोगे यहाँ पे मुंबई की तरफ से चावला जी को 1 विकेट मिला था, ऋतिक चौकिन को 2 मिला था, रिले मैच देखते 1 मिला था, और रन जेनसन को जो है वो 1 विकेट मिला था। तो फास्ट बॉलर को देखोगे 2 विकेट मिला था मुंबई की तरफ से, और स्पिनर को जो है वो यहाँ पे देखोगे तो आपको 3 विकेट मिला था। देखोगे इसका मतलब यही है कि जो स्टार्टिंग था ना, स्टार्टिंग में विकेट जो है वो नहीं मिला था बॉलर्स को, तो यहाँ पे जो है लास्ट में जब बॉलिंग आया तो उसी वजह से जो है स्पिनर को विकेट मिला, लेकिन ये फर्स्ट इनिंग है। और यही हम लोग देखते हैं सेकेंड इनिंग में जो है KKR जब बॉलिंग कर रहा था, सहीद शर्मा को जो है 2 विकेट मिला, वरुण चक्रवर्ती को 1 विकेट मिला, जो कि स्पिनर हैं और ये जो है बाद में आते हैं। फास्ट बॉलर में लकी फर्गसन और शरदुल ठाकुर को जो है 1-1 विकेट मिला, लेकिन इनका इकोनॉमी रेट भी देखोगे तो काफ़ी जो है महंगा आपको देखने को मिला। और सेम कहानी यहाँ भी इकोनॉमी रेट देखोगे ना इस वाले में, तो इनका भी जो इकोनॉमी रेट जो है काफ़ी महंगा देखने को आपको मिला। तो इस चीज़ का जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, और इस चीज़ का ध्यान रखना कि जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना पहले, तो या तो उसका इकोनॉमी रेट बहुत ही अच्छा रहता है इसलिए मैं उसको पहले लिखता हूँ, और जिसका इकोनॉमी रेट खराब रहता है मैं उसको सबसे नीचे लिखता हूँ। तो इसका जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आप अगली बार जब मैं ये सब बताऊँ तो आपको ध्यान रखना कि इसमें इकोनॉमी रेट किसका जो है अच्छा देखने को आपको मिला है। यही अगर हम लोग रन के साथ करें तो रन में जो है सेमी मैं कंडीशन फॉलो करता हूँ, जिसका स्ट्राइक रेट बहुत ही अच्छा रहता है उसको मैं पहले लिखता हूँ। यहाँ पर देखोगे तो आपको जो है जो रन बनाया है वेंकटेश अय्यर ने जो है 100 रन बनाए थे 51 बॉल पे, तो आप समझ सकते हो कि ऑलमोस्ट 200 का जो है वो स्ट्राइक रेट के साथ। इसलिए आप यहाँ पर रसल का जो है वो आपको 21 रन देखने को मिला है 11 बॉल पे, और KKR से बहुत अच्छा रन जो है कोई नहीं बना पाया एक वेंकटेश अय्यर को छोड़ के, तो देखोगे 185 भी पहुँच पाए, और जिस तरह का जो है यहाँ पर पिच था ये 200 रन बहुत ही आराम से जा सकते हैं। मुंबई की बात करते हैं ईशान किशन ने जो है देखो 25 में 58 बनाया, इसके अलावा जो है सूर्य कुमार यादव ने 25 में जो है 43 बनाया, दिलीप वर्मा ने 25 में 30 बनाया था, टीम डेविड ने जो है 13 में 26 बनाया था, और रोहित शर्मा 13 में जो है आपको 20 बनाया था। देखो वो इनके सारे जो है बैट्समैन जो थे वो ऑलमोस्ट यहाँ पे जो इनका टॉप ऑर्डर देखो काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, तो एक टॉप ऑर्डर में आप कह सकते हो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस जो है यहाँ पे मिलना चाहिए एक अच्छा शुरुआत के लिए और एक अच्छा रन के लिए। और यहाँ पे जिस तरह से इनको शुरुआत मिला था अगर ये 200 रन भी होता तो भी जो है आराम से चेस कर लेते, इवन 210 तक जो है बहुत ही आराम से चेस कर सकते थे जिस तरह का इनको स्टार्टिंग मिल गया था।
इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पे रिसेंट जो इसके बाद के मैचेस हुआ था वो हुआ था चेन्नई और मुंबई के। चेन्नई में देखो तो यहाँ पर मुंबई 157 रन बनाया था और चेन्नई जो है यहाँ पे जो है 158 बना के जीत गया। और उसमें विकेट देखो तो फास्ट बॉलर को 3-4 मिला था, स्पिनर को जो है 7 विकेट था। दोनों मैच में हमने देखा है कि स्पिनर को जो है थोड़ा सा ज़्यादा विकेट मिला है और इसका रीज़न सिर्फ यही है कि शुरुआत में जो है विकेट यहाँ पर नहीं मिलता है। और सीएसके की तरफ से जो है जडेजा को 3 मिला था, सेटनर को 2 मिला था, तुषार देशपांडे को 2 मिला था और मंगला को जो है 1 मिला था। इसलिए बात करते हैं यहाँ पे मुंबई की तरफ से कार्तिकी को 1 मिला था, जैसन ब्रेड को 3 मिला था और पीयूष चावला को जो है 1 विकेट मिला था। तो ये सीनरी जो आपको यहाँ पे देखने को मिला कि जिस तरह से जो है सीनरी रहा था। बैटिंग की बात करते हैं बैटिंग में देखो तो मुंबई की तरफ से ईशान किशन का जो है वो आपको देखने मिला कि 32 रन था 21 बॉल पे, टीम डेविड का 31 रन था 22 बॉल पे और तिलक वर्मा को जो है 22 रन था 18 बॉल पे और रोहित शर्मा का जो था यहाँ पे 21 रन था 13 बॉल पे। और चेन्नई की तरफ से रहाने के देखो तो 61 रन था 27 बॉल पे, ऋतुराज गायकवाड़ का 40 रन था 36 बॉल पे और डुबे का आप देखोगे तो हम देखने कि 28 रन था 26 बॉल पे और अम्माती रेड्डी को जो है 20 रन था 16 बॉल पे। तो ये सीनरी जो है आपको पिछले लास्ट दो मैचों में जो है देखने को मिला है। तो यहाँ पे हमने लास्ट दो मैच में ये देखा कि जो ओपनिंग बैट्समैन होते हैं वो एक अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, तो उसी हिसाब से जो है आपको यहाँ पे ओपनर्स को जो है वो आप प्रीफर कर सकते हो। बॉलिंग में हमने देखा कि जो फास्ट बॉलर शुरुआत में आते हैं उनको विकेट जल्दी से नहीं मिलता है यहाँ पे, तो आप एक तरफ ओपनर पिक कर रहे हो तो यहाँ पर शुरुआत के जो फास्ट बॉलर है उनको आप इग्नोर कर सकते हो और जो स्पिनर्स है उनको विकेट यहाँ पे मिलता है, यानी कि जो फास्ट बॉलर जस्ट बाद स्पिनर आते हैं उनको यहाँ पे विकेट मिलने के चांसेस बन जाता है। तो इस चीज़ का जो आपको ध्यान रखना है और फिर जो फास्ट बॉलर हैं उनको जो डेथ ओवर में बॉलिंग करते हैं डेथ ओवर में जो है उनको विकेट मिलता है। तो इस चीज़ का जो है आप यहाँ पे ध्यान रखना और उसी के हिसाब से अपनी टीम जो है डिज़ाइन कर सकते हो। और इसके अलावा अभी तक जो है मुझसे नहीं जुड़ना चाहते कि विनर सेशन इंट्री में बहुत अच्छे से प्रॉफिट उठा सको तो जो व्हाट्सअप का नंबर है जहाँ पर जुड़ सकते हो, साथ में टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो कॉल पर भी सर्च करके और ड्रीम इलेवन आप स्क्वाडिंग इलेवन पर जुड़ सकते हो जहाँ पर आपको इससे रिलेटेड जो है सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो आपसे वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन क्लिक कर लेना ताकि जब भी अगली बार वीडियो अपलोड होगा तो आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।